हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची एंड वेलकम टू एनिम प्लाजा। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के ब्लॉग में। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हमारे एपिसोड देखे होंगे। कहानी डली है, एपिसोड डल चुके हैं नए, तो फिर बिना किसी देरी के आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हम एनिम स्टोरी की, जहाँ आप लोग देख चुके होंगे हमारा जल परी का एपिसोड नंबर 13 जो की डल चुका है एनिम स्टोरी पे, ये तो आप देख चुके होंगे। फिलहाल कोशिश करते हैं एपिसोड 14 भी आप लोग जल्दी देख ले और जल्द ही आप सभी के लिए हम वो एपिसोड डाल दें एनिम स्टोरी पे, तो उसको देखिए ताकि आप लोगों को पता चले कि आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है। फिलहाल जो है अभी अकीरा को ढूंढा जा रहा है और पराग की एंट्री भी धरती पे हो चुकी है। अब क्या होता है, अकीरा किसको चूज करती है, सागर को, पराग को, केमिस्ट्री क्या होने वाली है, ईना मीना भी अब जो है धरती पे आ चुकी है, उनके साथ क्या होता है, कहानी जो है अच्छे मोड़ पे जाने वाली है। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं कि आखिर अकीरा के साथ क्या होने वाला है कहानी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लव सिटी की, जहाँ आप देख चुके होंगे हमारा नया एपिसोड एपिसोड नंबर 7 बनो में तेरी दुल्हन का, जो भी डल चुका है लव सिटी पे, जिसे आपने देखा और खूब पसंद किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके की गलती जो है राधा कर बैठी है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक के आइटम दो पे बैठ चुके हैं। अब आगे क्या होने वाला है, कि सागर उससे नाराज होता है और वो जो उसने बॉक्स दिया फिर उस बॉक्स में क्या होगा, आप सभी को क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल अगला एपिसोड तैयार हो रहा है, जल्द ही आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। कल तक देखते हैं आप सभी के लिए हम ये वाला एपिसोड डाल देंगे इसका अगला एपिसोड, और उम्मीद करेंगे आपको आगे का एपिसोड पसंद आए। फिलहाल आप लोग भी सोचिए कि ऐसा क्या होने वाला है कहानी में जो राधा उस बॉक्स में देने वाली, क्या वो सच में एप्पल का लैपटॉप होने वाला है या कुछ और है, तो देखना और मुझे भी बताने क्या लगता है आपको क्या होने वाला है कहानी में। नेक्स्ट बात करते हैं काका टीवी की, जहां हमने देख लिया होगा सास बहू और बेटियों का एपिसोड नंबर 2 जो कि डल चुका है काका टीवी पे। उम्मीद करूंगी आप लोग देख चुके होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं जल्दी से देखिए, नई कहानी स्टार्ट हुई है सास बहू और बेटियां, जो हम चाहते हैं कि आप लोग जरूर देखें और पसंद भी करें। फिलहाल जो है निर्जला आ चुकी है घर में, उसकी सास उसकी नंद कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, घर में शादी का माहौल होने वाला है, क्या होने वाला है कहानी में देखिए और फिर जरूर बताना आप लोगों को हमारा एपिसोड कैसा लगा। हॉरर सिटी की बात करें तो हॉरर सिटी में भी जल्द ही आप सभी के लिए नई कहानी आने वाली है जिसका नाम है 2 एलियन हॉरर स्टोरी, जो भी टलने वाली है हॉरर सिटी पे। सो उसको भी देखना, पसंद करना और जितना हो सके उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत। अब हम चलते हैं हमारे पिछले ब्लॉग में और देखते हैं हमारे पास क्या क्या कमेंट्स आए हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कमेंट्स है वो हमारे चारों चैनल के कमेंट्स हैं, जो हमारे लेटेस्ट एपिसोड चले हुए हैं वहां के हम कुछ कमेंट्स आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर देखते हैं हमारे क्या क्या एपिसोड में कौन कौन से ऐसे परफेक्ट और बहुत प्यारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं, चलिए फिर उनको मेंशन करते हैं। तो चलिए पहला कमेंट हम पढ़ रहे हैं हमारे एनिम स्टोरीज से, हमारे लेटेस्ट एपिसोड जनपरी जो कि 13 एपिसोड डाला है उसमें हमारे पास आया प्रिया मीना की तरफ से, जिन्होंने लिखा है कितनी बड़ी स्टोरी है ये, खत्म कब हो जाएगी, जल्दी जल्दी डाला करो स्टोरी मस्त है, थैंक यू सो मच। फिलहाल कहानी तो अभी चल ही रही है और आप लोगों का इतना प्यारा और इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो कहानी तो अब आगे जाएगी ही। नेक्स्ट हमारे पास आया है सुनील विश्वकर्मा की तरफ से, जिन्होंने लिखा है वाओ नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है। फिलहाल मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें लिखा है कि नेक्स्ट एपिसोड प्लीज। सो नेक्स्ट एपिसोड भी जल्द ही हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे और लव स्टोरी पे जरूर डालेंगे और आप लोग देखना और उसको एंजॉय करना। सो अब हम पढ़ते हैं आगे की तरफ, चलते हैं लव सिटी की तरफ, जहाँ पे अभी जो लेटेस्ट एपिसोड डला है बनो में तेरी दुल्हन उसका एपिसोड 7, वहां से हम लोग देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। तो पहला आया है हमारे पास रश्मि खान की तरफ से, जिन्होंने लिखा है पढ़ाई करके आया और जल्दी जल्दी चलाया देखने के लिए, खाना खाते टाइम बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारी कहानी को देखने के लिए इतना वेट करते हैं, अपना सारा काम कंप्लीट करो फिर आराम से आओ, फिर आराम से हमारा एपिसोड देखो। और अगला है राहुल की तरफ से, जिन्होंने लिखा है थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर अपलोड दिस एपिसोड, प्लीज अपलोड नेक्स्ट एपिसोड। सो जल्द ही करेंगे, अगला एपिसोड बन रहा है जिसके सीन्स मैं आपको बिहाइंड द सीन में दिखाने वाली हूँ। फिलहाल आप लोगों को इतने सारे कॉमेंट है कि जल्दी नेक्स्ट एपिसोड लेकर आइए, जल्दी लाइए, I love this story. Thank you so much कहानी को इतना पसंद करने के लिए। फिलहाल कहानी अब तो आगे जा ही रही है और फिर देखते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से हमारे कहानी पर रिस्पॉन्स करते हैं, जिससे रिस्पॉन्स होगा कहानी को उतना आगे लेके जाया जाएगा। सो अब पढ़ते हैं काका टीवी का, जहाँ पे सास बहू बेटिया का एपिसोड 2 डला है, वहां से कुछ कमेंट देखते हैं जिसमें लिखा है मुझे लगता है ये काम निर्जला का है, यानी कि देखते हैं ये तो कहानी में आगे आपको पता चलेगा कि आखिर निर्जला ने ही ये सब किया या फिर कुछ और है। नेक्स्ट हमारे पास आया है इट्स नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच, आपको कहानी पसंद आ रही है। नेक्स्ट है नाइस स्टोरी काका टीवी प्लीज अपलोड फास्ट, तो एपिसोड अभी बन रहा है जिसके सीन में भी आपको दिखाऊंगी बिहाइंड द सीन में, कल तक आपको काका टीवी पे स्टोरी देखने के लिए मिल जाएगी।
सो दैट्स इट, ये थे हमारे आज के कमेंट्स जो कि है आप लोगों के कमेंट्स देख के लिटरली बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारी कहानी को इतना पसंद कर रहे हो और कमेंट करते हो, वेट करते हो हमारे नेक्स्ट एपिसोड का। फिलहाल हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको अगला एपिसोड देखने के लिए जरूर मिले, और फिर इसी कोशिश को दिखाने के लिए आप चलते हैं बिहाइंड द सीन की तरफ और देखते हैं आप लोगों की स्टोरी कहाँ तक पहुंची है। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ, ये है आपका बनू में तेरी दुल्हन का एपिसोड जो कि अगला एपिसोड है। आज से ही ये तैयार हो गया है, कल तक आप सभी को लव सिटी पे देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि राधा ने जो है गिफ्ट करा था श्याम को, और उस बॉक्स में क्या है। फिलहाल अगर दिख रहा है तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्या गिफ्ट किया, अगर नहीं दिखा तो मैं नहीं बताने वाली ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोगों के लिए कल एपिसोड डलेगा और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसी में ये देखें। फिलहाल श्याम का और राधा का क्या कनेक्शन है, श्याम राधा के साथ इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है, मेन मुद्दा तो यही है कि आगे हम कहानी में जा रहे हैं कि आखिर श्याम और राधा का इक्वेशन आखिर है क्या। दोनों के बीच में दोस्ती है, प्यार है, नफरत है, और नफरत है तो क्यों है। बहुत से सवाल हैं इस कहानी के जो कि धीरे धीरे आप सभी के सामने खुलेंगे, और हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि आप लोग भी देखें जरूर कहानी को, अच्छा रिस्पॉन्स है ताकि हम लोग भी आप लोगों के लिए ढेर सारे एपिसोड के साथ कहानी को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट आप इस तरफ देख सकते हैं काका टीवी की कहानी है एपिसोड 3 जो है आज से बनना शुरू हो गया है और कल आपको देखने के लिए मिल जाएगा काका टीवी पे। फिलहाल बहुत सी चीज़ें होने वाली है, निर्जला पे मुसीबत आने वाली है, और वो क्या होती है ये तो आपको एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा, और उम्मीद करेंगे आपको कहानी पसंद आएगी और आप उसको ढेर सारा प्यार देंगे। फिलहाल वेट कीजिए और जल्दी कहानी को आपके सामने लाया जाएगा। सो दैट्स इट, ये थे हमारे आज के बिहाइंड द सीन। उम्मीद है आप सभी को हमारी कहानी और हमारा ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा देखने के। बस इसी तरीके से एनिम राज को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आकर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे सारे चैनल को, एंड कीप वॉचिंग एनिम राज।